हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो अपना सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। यह है सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से फिर से एक रहा है ये वाला क्वेश्चन। इस बार इंटरनल में भर भर के आया था। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेजेस वालों ने इस बार ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया कि भैया सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। देखिए, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक सिमिलर काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करना जो आज भी है और कल भी रहेगी, यानी सस्टेन करके रहेगी, लॉन्ग टर्म तक रहेगी। वो कब हो पाएगा, जब हम रिसाइकल करेंगे, ठीक है, रिसाइकल यू करेंगे, रिसाइकल के बाद हम रीयूज करेंगे। जब हम रिसाइकल रीयूज की बात करेंगे, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वर्क करेंगे, तो हम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग अचीव कर पाएंगे। और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो, जिसमें भी रिसाइकल रीयूज वेस्टेज ट्रीटमेंट ये सारे के सारे फंडामेंटल चेक करे जाते हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल एक्टिविटी है, लेकिन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ सकते हो, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में भी जोड़ सकते हो, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कभी कभी अलग अलग भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे तो बेसिकली ऑन ग्राउंड कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन यह कह सकते हैं कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तक के लिए विजन के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्टेनेबल में आती है। प्ले वाइटल रूल्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस जो थी वो एनवायरमेंट को डैमेज करती थी, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाती थी और एनवायरमेंटल पर मेजर इंपैक्ट करती थी। जबकि जो सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मेन कि कार्बन फुटप्रिंट कम से कम आए, रिसाइकल हो, वेस्ट जनरेशन कम से कम हो, जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग भी इसी का एक पार्ट माना जाता है। इसमें रिसोर्स की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करी जाती है, वेस्ट को रिड्यूस करा जाता है, रिसाइकल किया जाता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, सस्टेनेबल के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल का पॉइंट आप ऑमिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जब ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट आएगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल आपको लिखना ही है। प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन हो कि सस्टेन करें, यानी कि लॉन्ग टर्म तक वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रहे, लॉन्ग टर्म तक उसका यूज़ करा जा सके। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बार 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 चेंज करना पड़े, लाइक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्या सस्टेनेबल रहते हैं? नहीं, क्यों? 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है। कितनी बार तो महीने के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, 1-2 साल के अंदर ये फ़ोन जो हम चला रहे हैं आउटडेटेड हो जाते हैं, तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट के अंदर नहीं आते। ठीक है, लाइफ साइकिल का असेसमेंट किया जाए हर प्रोडक्ट का और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी जाए। बेनिफिट क्या होगी? एक तो लीगल कंप्लाइंसेस फुलफिल करते हैं, CSR फुलफिल करते हैं, बेटर ग्रोथ होगी, रिड्यूस वेस्टेज होगा, तो कॉस्ट कम आएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी, और आप इसको साथ कह सकते हो कि इनोवेशन करने से कंपनी की मार्केट कैप्चर या मार्केट में एक सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल एडवांटेज हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।